आज हम कक्षा पांचवी का चौथा पाठ कश्मीरा देखने जा रहे हैं। इस पाठ की मध्यवर्ती कल्पना जो है वह है निरीक्षण। यहाँ पर चित्र में दो कश्मीरी युवतियों का चित्र दिया गया है। इन दोनों चित्रों को देखकर हमें उनके फर्क समझने हैं, यानी दोनों चित्रों की निरीक्षण द्वारा तुलना करनी है। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हम चित्र की पार्श्वभूमि देखेंगे। तो यहाँ पर पार्श्वभूमि में पहले चित्र में हम देख रहे हैं कि यहाँ पांच पक्षी जो है वह उड़ते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं, और दूसरे चित्र में पार्श्वभूमि में सिर्फ चार पक्षी ही उड़ते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। पार्श्वभूमि का दूसरा जो फर्क हम देखने जा रहे हैं वह है, यहाँ पर पहले चित्र में हम देख रहे हैं पर्वत की तीनों चोटियों पर बर्फ जमी हुई हमें दिखाई दे रही है, और वही दूसरे चित्र में पर्वत की सिर्फ दो ही चोटियों पर हमें बर्फ जमी हुई दिखाई दे रही है। और देखिए, यहाँ पर पहले चित्र में ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ हमें पहले चित्र में ही दिखाई दे रहे हैं, तो दूसरे चित्र में हम सिर्फ 8 ही पेड़, यानी कम पेड़ हैं यहाँ पर, जो कि पहले चित्र में हम 10 पेड़ देख रहे हैं, तो यहाँ पर 8 पेड़ यानी कम पेड़ इस चित्र में हमें दिखाई दे रहे हैं। अगला निरीक्षण जो है हम देखने जा रहे हैं वह है चप्पू का। अब सबसे पहले हम यह संकल्पना देख लेते हैं, चप्पू किसे कहते हैं। तो जहाँ केवट जो है नाव खेता है, यानी पानी जिस औजार से वह खींचता है, बाजू में हटाता है, उसे चप्पू कहते हैं। तो यहाँ पर पहले चित्र में युवती के हाथ में जो चप्पू हमें दिखाई दे रहा है, उसका निचला भाग जो है वह चौकोर दिखाई दे रहा है, तो दूसरे चित्र में चप्पू का निचला भाग पान के यानी पत्ते के आकार का दिखाई दे रहा है। अब चलते हैं चित्र में दिखाई दे रहे घड़े की ओर। देखिए, पहले चित्र में जो घड़ा हमें दिखाई दे रहा है उसके पेंदे में टपके नहीं है, लेकिन दूसरे चित्र में घड़े के पेंदे में हमें टपके दिखाई दे रहे हैं। और दूसरा निरीक्षण जो है वह है घड़े और टोकरी के बीच, यहाँ पर हमें पहले चित्र में लाल फूल दिखाई दे रहा है, तो दूसरे चित्र में घड़े और टोकरी के बीच हमें लाल फूल दिखाई नहीं दे रहा है। अब हम चलते हैं चित्र में दिखाई दे रही युवती की ओर। देखिए, पहले चित्र में हम देख रहे हैं युवती की कमीज की नीचे से दूसरी पट्टी गुलाबी दिखाई दे रही है, तो वही दूसरी ओर दूसरे चित्र में कमीज की नीचे से दूसरी पट्टी हमें लाल दिखाई दे रही है। दूसरा यहाँ का फर्क देखते हैं। देखिए, युवती ने पहले चित्र में जो लॉकेट पहना है उसका निचला भाग जो है हमें गोलाकार और सादा दिखाई दे रहा है, और दूसरे चित्र में युवती ने पहने लॉकेट के निचले गोलाकार भाग में हमें पत्तियां दिखाई दे रही है। देखिए, यहाँ पर और तीसरा निरीक्षण युवती का हम देख रहे हैं। यहाँ पर पहले चित्र में युवती ने चप्पू पकड़े हुए बाएं हाथ की कमीज की बाह कलाई तक है, वही दूसरे चित्र में चप्पू पकड़े हुए बाएं हाथ की कमीज की बाह कलाई से बहुत नीचे है, यह हम देख रहे हैं। और एक निरीक्षण जो आखिरी निरीक्षण है, देखिए, पहले चित्र में युवती के जो हाथ में हाथ चप्पू पकड़ा हुआ है वहाँ पर हमें दुपट्टा नहीं दिखाई दे रहा है, तो दूसरे चित्र में वहाँ पर हमें युवती ने दुपट्टा पहना हुआ दिखाई दे रहा है।